Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Ramzan Ishtiyaq and recently I have qualified CSS 2020 and alhamdulillah I have secured 14th position all over in Pakistan. Previously I did qualify CSS 2017 as well and I was allocated in Inland Revenue Service. So the purpose of this channel is to guide you people that how you can crack CSS. So stay connected and subscribe to my channel and I will let you know all tricks and tips that I used to qualify CSS twice. Thank you very much. Allah Hafiz. जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है और इसको एट द सेम टाइम समझना बहुत आसान भी है. सो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे एंड दैट इज आयरन डोम ऑफ इसराइल. ठीक है, हमने ये नाम बहुत सुना होगा कि आयरन डोम सिस्टम है इसराइल के पास जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सेफ है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता. सो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आयरन डोम क्या है, आयरन डोम की जरूरत इसराइल को क्यों पड़ी, आयरन डोम काम कैसे करता है और आयरन डोम का जो सिस्टम है उसको हम फेल कैसे कर सकते हैं, ये उसकी लूप होल्स उसमें क्या है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज आयरन डोम. आयरन डोम बेसिकली जिस तरह नाम उसका कहते हैं कि वो एक आयरन का एक डोम बना देता है इसराइल के ऊपर, जिसकी वजह से इसराइल किसी भी अटैक से महफूज रहता है. ठीक है, तो ये एक उसको नाम दिया गया है, लेकिन एक्चुअली ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या होता है कि अगर आपकी कंट्री के ऊपर कोई भी दूसरा दुश्मन मिसाइल का अटैक करता है तो जो आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है वो उस मिसाइल को एयर के अंदर ही तबाह कर देता है और आपकी कंट्री को महफूज रखता है. अब जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको आयरन डोम भी हम कह रहे हैं, वो सिर्फ मिसाइल्स को कंट्रोल नहीं करता. वो अगर मिसाइल का अटैक हो, कोई जहाज से अटैक हो रहा हो, कोई जो है रोबोट के जरिए कोई जो है अटैक हो रहा हो या ड्रोन के जरिए अटैक हो रहा हो, उन सबको वो फिजा में ही रोक देता है और इसराइल को महफूज बनाता है. अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि गजा ने बहुत ज्यादा जो है वो इसराइल के ऊपर रिटेलिएशन में बहुत ज्यादा मिसाइल जो है वो फायर किए थे और उनकी जो अमाउंट है वो बताई जाती है अराउंड के 10,000 नंबर्स जो बताए जाते हैं उसमें, कि 10,000 मिसाइल गजा ने इसराइल के ऊपर फेंके, लेकिन इसका इसराइल को कोई भी नुकसान नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? वो इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और ये एयर के अंदर ही तमाम के तमाम मिसाइल्स को रोक देता है. अब ये बात, ये मिसाइल सिस्टम डिफेंस जो हमारा इसराइल का डिफेंस सिस्टम है, ये कब बना और क्यों बना? क्यों की वजह ये थी कि हिजबुल्ला और हमास से इसराइल को ऑलरेडी थ्रेट था, तो 2011 में ये इन्होंने सिस्टम बना के खुद ही, इनका ये जो है वो नेटिव सिस्टम है, इन्होंने खुद बिल्ड किया है, इंडिजिनस है. तो 2011 में इन्होंने अपनी एयरफोर्स के हवाले कर दिया था. इसकी रीजन एक और भी थी कि 2006 के अंदर जब लेबनान में वार हुई थी तो उसके अंदर भी जो है वो बहुत ज्यादा अटैक्स किए गए थे. अराउंड कहा जाता है कि 2000 से 4000 तक के बताई जाती है वैल्यूज के 2 से 4000 मिसाइल्स तब भी इसराइल के ऊपर किए गए थे और तब उसके पास डिफेंस सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ. तो उसके बाद इसराइल ने ये डिसाइड कर लिया हुआ था कि उसने मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना है. नेक्स्ट इज कि इसको बनाने में क्या किसी और ने भी मदद की? जी बिल्कुल की, एंड दैट इज अमेरिका. फाइनेंशियली अमेरिका ने इसराइल को इस डिफेंस सिस्टम को बनाने में मदद की. अब हम बात करते हैं कि वो सिस्टम है क्या और वो सिस्टम काम कैसे करता है. वो सिस्टम बेसिकली बैटरीज कहा जाता है, जो उसकी हम कह सकते हैं कि जहां से वो मिसाइल फायर करता है. जो आयरन डोम है उसके अंदर 3 बैटरीज लगी होती है पैरेलल, ठीक है, और हर बैटरी की कैपेसिटी जो है वो एट द टाइम वो 20 मिसाइल्स फायर कर सकती है. ठीक है, तो इट मींस कि एक पूरा का पूरा आयरन डोम का जो उनका सेटअप है वो एट अ टाइम 60 मिसाइल्स जो है वो फायर कर सकता है. अब जो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है आयरन डोम का, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और उसको हाईलाइट भी नहीं किया था, वो ये है कि जो आयरन डोम सिस्टम है इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया है कि ये खुद डिसाइड करता है कि मैंने इस मिसाइल को टारगेट करके फिजा में गिराना है या इसको नहीं गिराना. वो कैसे डिसाइड करता है? वो इस तरह डिसाइड करता है कि मिसाइल जो
अटैक के जरिए अटैक होके आ रहा है, मिसाइल जो एनिमी फेंक रहा है उसकी वो प्रिसीजन और उसका वो एंगल और सब कुछ देख के वो डिसाइड करते हैं कि इस मिसाइल का टारगेट क्या होगा, क्या वो कोई आबादी होगी, क्या उनके वो कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन होगी, या वो खाली किसी लैंड के ऊपर होगा जहां पे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये आयरन डोम सिस्टम जो ये खुद डिसाइड करता है कि अगर तो ये मिसाइल जो है किसी इंपॉर्टेंट जगह पे गिरने वाला तो उसको हवा के अंदर ही वो उसको तबाह कर देगा। लेकिन अगर आयरन डोम सिस्टम को ये प्रिसीजन से ये पता लग जाता है कि ये लेट से किसी खाली जगह पे जाके गिरेगा जहां पे हमारा नुकसान कुछ भी नहीं होगा, तो वो उस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं करता। इसकी एक तो ये रीजन है कि उनको पता लग जाता है पहले से कि इस मिसाइल के जरिए उनका अपना नुकसान कोई नहीं होने वाला, ठीक है। तो उसके बाद जो उस अगर वो उसको जाया करते भी हैं, वो फिजा में उसको तबाह करते भी हैं, तो उनका अपना नुकसान है कि अपना उनको मिसाइल एक जाया हो रहा है। और एक मिसाइल जो इसकी बैटरी में लगता है उसकी जो कीमत है दैट इज $90,000, ठीक है। तो वो इकोनॉमिकली भी इस चीज को साथ में कैलकुलेट करते हैं क्या हमें ये यूज करने की जरूरत है या नहीं है। और अब इसका एक और इम्पोर्टेंट फीचर है दैट इज मोबिलिटी, ठीक है। ये लैंड के ऊपर भी रहकर यूज किया जा सकता है, एंड सिमिलरली जो सी है या वाटर एरिया है इसके ऊपर भी ऑपरेट हो सकता है। अभी इसकी एक और यूनिट जो है इसकी हमने बनाई है जिसमें ये ट्रक माउंटेड बैटरीज हैं, जिस मतलब ट्रक के ऊपर ये फिट कर दिया गया, वो ट्रक कहीं भी मूव करके उस लोकेशन से जाके जो है अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देगा। अब हम बात करते हैं कि इस सिस्टम को फेल कैसे किया जा सकता है या इस सिस्टम के लूप होल्स क्या हैं। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत स्ट्रांग सिस्टम है, इसको ब्रीच करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कुछ रिसर्च स्टडीज कहती हैं कि इसकी भी एक सैचुरेशन पॉइंट है जिसके ऊपर जाके तो ये फेल हो सकता है सिस्टम। वो सैचुरेशन पॉइंट क्या है कि अगर बहुत ज्यादा मिसाइल्स एट अ टाइम अटैक कर दिए जाए इसराइल के ऊपर, तो तब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो डिफेंस सिस्टम है वो सब के सब मिसाइल्स को इंटरसेप्ट ना कर सके और उस टाइम कुछ मिसाइल इसराइल पे जाके अटैक कर ले। अब वो नंबर क्या है, कहा जाता कि अगर डेली 1000 से 1500 तक के मिसाइल अगर इसराइल के ऊपर फायर कर दिए जाए तो इस सिस्टम में चांस है कि ये सिस्टम फेल हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सिस्टम। अब इसको पढ़ने की जरूरत हमें क्यों थी, ताकि हम इसराइल की जो डिफेंस स्ट्रेटजीज हैं उनको समझ सकें। इसराइल पैलेस्टाइन इशू के अंदर अगर हम ये वाली चीज डिस्कस करना चाहें तो हम ये साथ में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।